टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टोरेंट पावर के चोरी हुए केबल और इलेक्ट्रॉनिक सामान को मुंब्रा पुलिस ने शील फाटा इलाके से एक भंगार की दुकान से बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आज दोपहर के वक्त मुंब्रा पुलिस बरामद किए गए चोरी के माल को 2 टेम्पो में भरकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन लाई। इसमें पुराने और नए केबल, वायर और इलेक्ट्रॉनिक सामान है। आपको बता दें कि जिस भंगार की दुकान में ये सामान बरामद हुआ है वो अभी फरार हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार टोरेंट पावर की मुंब्रा शहर में बड़े पैमाने पर केबल वायर डालने का काम किया जा रहा है। ऐसे में पापा का नाका और कौसा हिल्टन बेकरी के पास से रखे हुए टोरेंट पावर के केबल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत टोरेंट पावर के कर्मचारियों ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। और पुलिस को जानकारी मिली कि चोरी हुए केबल शील फाटा के अचार गली में एक भंगार की दुकान में है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी के केबल और वायर और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद कर लिया है, मगर आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 379 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल की जा रही है।